स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे ऑप्टिक्स पार्ट टू। इन द प्रीवियस पार्ट वी सॉल्व 10 क्वेश्चंस, यहाँ भी कुछ कर लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द सेम नंबर वन फेज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। सो यू कैन सी, ये हमारे पास वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट करता है यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। सो सपोज दिस इज़ द सोर्स ऑफ, ये हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर पे ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से वेव जो ऐसे प्रोपोगेट करते रहेंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह वैसे शेप शेप में प्रोपोगेट। सो हियर ये एक जैसे यहाँ से ये वेव ट्रैवल कर रहा है, उसी वक्त उसके साथ में यहाँ पर भी एक वेव ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी एक साथ ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी एक साथ ट्रैवल कर रहा है। तो आफ्टर टाइम टी दे रीच एट दिस पॉइंट, जितने भी वेव्स हैं तो चार ही बताया गया, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स विच ट्रैवल एंड दे रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो सबका फेज हम देखते हैं, सब के सब ऐसे ही ट्रैवल करेंगे, ये दूसरा वेव भी ऐसे ही होगा, तीसरा भी ऐसे ही होगा, ओके सब एक साथ। सो हियर द आंसर इज दे वाइब्रेट विद द सेम फेज। ओके, लोकस मीन्स कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट था यहाँ मैंने ड्रॉ किया था, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो रेड सर्कल बना हुआ है, दिस आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दे ट्रेवल विद द सेम फेज। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर द लाइट वेव्स ऑफ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन वैक्यूम, इट्स वेवलेंथ इन ग्लासेस। तो वी हैव अ वेव ऑफ लाइट, वी हैव अ लाइट वेव, उसकी वेवलेंथ हमें दी है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन वैक्यूम या एयर जो भी हो। अगर वो ग्लास में जाती है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, वो ग्लास में इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। देखो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो हियर वी हैव द सॉल्यूशन, म्यू दिया हुआ है, लैम्डा जो है लैम्डा एयर या लैम्डा वैक्यूम दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, लैम्डा ग्लास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन लैम्डा जी। तो वी म्यू इज गिवन, लैम्डा इन लैम्डा जी इज गिवन, सॉरी लैम्डा इज गिवन, लैम्डा जी हमको फाइंड करना है। तो ये म्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा जी देखेंगे तो लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, तो ये हमें मिल जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, हमें यहाँ पे चेंज करने, यूनिट हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हमें लास्ट में आंसर एंगस्ट्रॉम यूनिट में मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो ह्यूजेंस की थियरी जो है उससे हम कौन किस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। सो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ ह्यूजेंस थियरी। तो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन जो है ना ह्यूजेंस थियरी का, कि उसकी थियरी के मुताबिक देयर इज़ अ ईथर जिसके जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करता है, क्योंकि उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस लाइट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम, और उसने बताया कि मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर कोई मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला, तो वो उसका जो बेसिक एजम्पशन था ईथर वो ही नहीं मिला। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, व्हाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बता नहीं सकता है, ह्यूजेंस की थ्योरी के बिना प्रूफ नहीं कर सकते। और लाइट के अंदर एक फिनोमेना इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो हम ह्यूजेंस की थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज कॉम्प्टन इफेक्ट, उसे भी हम ह्यूजेंस की थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देन वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन करने के लिए हम ह्यूजेंस की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड फाइनली ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा देखा जाता है कि लाइट देर आर सम मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कलर देखे जाते हैं व्हेन दे आर हीटेड, बहुत सारे मेटल्स जिनको हीट किया जाता है तो दे एग्जिबिट दे गिव आउट सम कलर्स। तो वो कलर्स क्यों एमिट करते हैं,
यही क्यों करते, दूसरा कलर क्यों नहीं करते, और कुछ कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा कलर एमिट करते, तो वाई डू वी गेट द स्पेक्ट्रल लाइंस? ये हम ह्यूजेंस की थ्योरी पे एक्सप्लेन नहीं करते। तो इतनी सारी आपने क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है पूछा गया था उसमें आंसर तो एक ही है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरे भी फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब याद रखना चाहिए। तो इन दिस केस वी ये तीनों जो है फिनोमेना, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूजेंस की थ्योरी के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ इज मूविंग टूवर्ड्स अ फिक्स स्टार विथ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ ऑब्जर्व्स अ शिफ्ट ऑफ 0.52 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, द एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द स्टार इज। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक स्टार जो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ऑब्जर्वर ने देखा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हुई है 0.52 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है इसको डॉपलर शिफ्ट। तो हमें पता है, लोअर क्लास में पढ़ा हमने कि वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो हमें बताना है कि एक्चुअल वेवलेंथ क्या था उस पर्टिकुलर स्टार से जो लाइट आ रही है उसकी एक्चुअल वेवलेंथ क्या है। ओके, तो दिस व्हाट वी आर गिवन, वी इज गिवन 30 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 13 × 10³ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा लैम्डा दिया है शिफ्ट इन वेवलेंथ, इट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻¹⁰। लैम्डा जीरो कैलकुलेट करना, सो दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो वी नीड टू कैलकुलेट लैम्डा जीरो, तो लैम्डा जीरो इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वी भी दिया हुआ है, डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है, सी दिया, वी गेट द आंसर एज 5800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आप सिर्फ देखो मत, सिर्फ देख कर काम नहीं चलेगा, यू मस्ट सॉल्व इट यूजिंग पेपर एंड पेन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, अ गैलेक्सी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइट ऑफ 589.0 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व एट 589.6 नैनोमीटर, द स्पीड ऑफ गैलेक्सीज। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक गैलेक्सी मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू अस ऑन अर्थ, तो जो सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ 5890.0 होनी चाहिए वो हमको नज़र आ रही है 589.6 नैनोमीटर, तो एक्चुअल उसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है और हमको नज़र आ रही है 589.6 नैनोमीटर। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी, तो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, वी आर गिवन लैम्डा जीरो, वी आर गिवन लैम्डा, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, लैम्डा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो इज वी अपॉन सी। तो वी फाइंड करना है, वी इज सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा जीरो इज डेल्टा लैम्डा। तो वी पुट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो, लैम्डा को नहीं करना तो भी चलेगा, बिकॉज हियर हम देखते हैं डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो है, तो अगर आप 10⁻⁶ ऊपर नीचे करोगे तो कट ही होगा, तो करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा ये केस में। बाय द वे, हर जगह कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देन फाइनली व्हाट वी गेट, वी इज 306 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर, सो दिस 306 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 6, द 6563 एंगस्ट्रॉम यूनिट एच अल्फा लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन अ स्टार इज रेड शिफ्टेड बाय 15 एंगस्ट्रॉम यूनिट, द स्पीड एट विच द स्टार इज रिजिडिंग फ्रॉम द अर्थ इज। ठीक है, तो हमें रेड शिफ्ट, तो दो तरह के शिफ्ट होते हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ठीक है, सो अगर कोई बॉडी, हेवनली बॉडी, कोई बॉडी हमसे अगर दूर जाएगी तो वो रेड शिफ्ट क्रिएट होता है, और अगर हमारे करीब आएगी तो ब्लू शिफ्ट होता है। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक तो लैम्डा ज़ीरो दिया हुआ है, दिस इज़ लैम्डा ज़ीरो एंड दिस इज डेल्टा लैम्डा। ओके, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें पैरामीटर देके डरने की जरूरत नहीं, एच अल्फा क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द वेवलेंथ। ओके, सो सॉल्यूशन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस केस, लैम्डा जीरो दिया हुआ है, डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड वी, सो वी इज सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो, एंड व्हाट वी गेट इज फाइनली 6.86 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर देख लेना, आंसर किलोमीटर पर सेकेंड में कि मीटर पर सेकेंड में, उसके मुताबिक हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। नंबर 7, नाउ टू लाइट वेव सुपर इम्पोज एट मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन
आर कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विथ फेज डिफरेंस 3π रेडियंस, देयर एम्पलीट्यूड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच, द रिजल्ट एम्पलीट्यूड एट द गिवन पॉइंट विल बी. तो वी आर गिवन दैट दो लाइट वेव हमारे पास, वो दे इंटरफेयर एट अ मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन और दोनों का फेज डिफरेंस 3π है. तो ये भी दिया है हमें दोनों का एम्पलीट्यूड जो है 1 सेंटीमीटर है. तो जब वो इंटरफेयर करेंगे तो वो इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्ट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या रहेगा, उसकी उसका रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा वहाँ पर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक वेव है, एक वेव का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 1 सेंटीमीटर है, तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा. और फेज दोनों का है 3π रेडियंस दिया हुआ है. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो हमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे. A1 दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, A2 दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, फाइ दिया है 3π. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखे, वो इंटेंसिटी के फॉर्म में देखे. तो A इज अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, phi दिया हुआ है 3π. ओके, सो cos 3π इज -1. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो द फाइनल आंसर इज 0. ओके, तो लास्ट में हमें आंसर आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसे, वी पुट द वैल्यूज. ओके, सो हियर द आंसर इज 0 सेंटीमीटर. ओके, नंबर 8, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I एंड 4I इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन. द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट पॉइंट A एंड π एट पॉइंट B. देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट A एंड B इज. तो हमें दो बीम दिया हुआ है, दो इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी एक की I1, एक की I है, दूसरे की 4I है. अच्छा, फेज डिफरेंस हम क्या देखते हैं स्क्रीन पर देखते हैं. तो स्क्रीन पर दो पॉइंट हमें दिखते हैं, एक पॉइंट A है. तो पॉइंट A पर ये दोनों की बीम की जो फेज शिफ्ट है वो π/2 है, और पॉइंट B पर जो है दोनों का फेज शिफ्ट π है. तो अगर हम कंपेयर करेंगे इंटेंस कंपेयर नहीं मतलब सब, अगर हम A पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और B पर फाइंड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा हमें वो फाइंड करना है. ओके, सो इसे कैसे करते हैं. पहले हम I1 लेते हैं, I1 इज I, I2 इज 4I, phi A π/2, phi B इज π. तो वी आर इंटरेस्टेड IA माइनस IB, ये दोनों का डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है. तो A का फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले. एंड हम A स्क्वायर क्यों करते हैं, बिकॉज हमें एम्पलीट्यूड नहीं दिया, हमको इंटेंसिटी दिया हुआ है. ओके, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट इज A स्क्वायर का की जगह आएगा I, A1 स्क्वायर की जगह I1, A2 स्क्वायर की जगह I2, और बिकॉज यहाँ पर A1 A2 है यहाँ पर. ओके, तो उसकी जगह आएगा अंडर रूट I1 I2 cos phi. नाउ ये दोनों केसेस को हम एक मतलब एक ऐसा हम फाई ए यहाँ पर करते हैं, दो पार्ट बना देते हैं, फाई ए यहाँ पर करेंगे, फाई बी यहाँ करेंगे. तो कॉस फाई की जगह π/2 पुट करेंगे तो हमें आई ए मिल जाएगा, कॉस फाई की जगह फाई बी की जगह पाई करेंगे तो वी गेट आई बी. तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कॉस π/2 इज 0. तो ये हमको मिलेगा आई प्लस 4i इज 5i प्लस 0 इज 5i, और यहाँ पर जो है कॉस पाई इज -1. तो 5i माइनस 4i इज आई, तो आई ए इज 5i, आई बी इज आई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 4i. वी आर इंटरेस्टेड इन आई ए माइनस आई बी. ओके, तो आई ए माइनस आई बी इज 4i, तो आंसर इज 4i. नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अ स्लिट S इज नेसेसरी इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. अ स्लिट S इज नॉट नेसेसरी इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी बट वेल कॉलिमेटेड बीम ऑफ लाइट. A slit S is not needed if we use a specially coherent source of light. तो ये सब के सब अगर हमें इंटरफ्रेंस परफॉर्म करना है तो ये तीन में से कौन सा स्टेट क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा. तो देखो पहले केस में a slit S is necessary if we use an ordinary extended source of light. तो अगर हम ordinary source of light यूज़ करेंगे उसमें लाइट काफ़ी फैलेगी. तो अगर हम स्लिट यूज़ करेंगे तो हमें वेल कॉलिमेटेड बीम मिल जाएगी. तो A चलेगा अगर यहाँ पर हम स्लिट यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंड केस में हमें पहले ही दिया है कि वी हैव वेल कॉलिमेटेड बीम. तो अगर वेल कॉलिमेटेड बीम है तो स्लिट नहीं रहेगी तो भी चलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड केस में अ स्लिट S इज नॉट नीडेड इफ़ वी हैव अ स्पेशली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. अगर हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स है जो स्पेस के अंदर, इट इज दो तरह के कोहेरेंस होते हैं, एक टेम्पोरल एक स्पेशल. तो स्पेस के अंदर कोहेरेंट रहेगा तो भी स्लिट की जरूरत नहीं. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके,
नेक्स्ट नंबर 10, व्हेन कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी बोलते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर से यूज़ करते हैं या सीडीज रहती, तो सीडीज इल्यूमिनेटेड बाय अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, कलर्ड लाइंस आर ऑब्जर्व। देखा होगा सीडी को हम ऐसा मूव करते हैं, उसमें कलर्स दिखते हैं हमें, ये किस वजह से होता है? डिस्पर्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, इंटरफेरेंस या रिफ्रैक्शन। तो हम देखते हैं सीडी के अंदर जो है ना, ऐसे बहुत सारे मतलब डायग्राम देखता हूँ। तो इन दिस केस व्हाट, ये सीडी के अंदर बहुत सारे से ट्रैक्स रहते हैं, तो दे आर एक्टिंग लाइक अ मल्टीपल स्लिट, ओके, बहुत सारे स्लिट्स की तरह काम करते हैं। तो ग्रेटिंग होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ग्रेटिंग के अंदर जैसे बहुत सारे फाइन लाइंस बनी होती हैं, एक इंच के अंदर मतलब हज़ारों लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीडी का जो सरफेस है, इट इज एक्टिंग लाइक मल्टीपल स्लिट, तो इसकी वजह से हमें डिफ्रैक्शन मिलता है, और डिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें कलर्ड नज़र आते हैं, ठीक है। आप इसको पिछले वाले हमने वीडियो में देखा था, उसमें हमारे पास ऑयल फिल्म था, तो ऑयल फिल्म के अंदर जो हमें मिलते हैं कलर फ्रिंजेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, और सीडी में जो मिलते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टूडे, ओके, आई होप यू हैव एन्जॉयड इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।